सरकारी हॉस्पिटल का एक करनामा हुआ उजागर। जिला बदाऊ में डॉक्टरों में होड़ लगी हुई है, रिश्वतखोरी करने की जैसे कोई स्कीम चल रही हो। जो सबसे ज्यादा रिश्वत लेगा उसका होगा परमिशन। आए दिन रोज वीडियो वायरल हो रही है। सरकारी हॉस्पिटलों के डॉक्टरों पर किसी भी अधिकारियों का कोई डर नहीं। क्या अधिकारियों का संरक्षण है या नेताओं का? आज जिला बदाऊ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का रिश्वत का खेल दिखाते नेत्र विभाग में स्टिंग ऑपरेशन किया। चौंकाने वाले वीडियो सामने आया। आंखों के डॉक्टर 300 रुपए चश्मा बनाने के ले रहे हैं, खुले में मांग रहे हैं जैसे कोई डर ही नहीं हो। खुलकर मोल भाव कर रहे, 250 से नहीं दोगे तो 300 रुपए चाहिए। जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सख्त आदेश, चाहे हमारी पार्टी का ही कोई भी पदाधिकारी या नेता भ्रष्ट हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब इस बारे में CMS बदाऊ विजय बहादुर सिंह से बात हुई, CMS बदाऊ का कहना है कि वीडियो को चेक कराकर हम कार्रवाई करेंगे। अब देखना होगा अधिकारी कार्रवाई करेंगे या नेताओं के डर से बैठ जाएंगे। वो कंप्यूटर की वजह से नहीं ऐसा हुआ। तो तुम कौन से कोर्स बताए समझे? कहाँ कहाँ से टेंशन से और रोने से, तो इस वजह से मेरी नज़र कम हुई। मेरी नज़र कम नहीं थी, मैं रात में भी अपने इसलिए में धागा डाल के सिलाई कर लेती करती है। हाँ, मगर अब क्या करूँ, आदमी का काम तो आपको मालूम नहीं कैसा होता। तो ना सही है, आप चश्मा लगाओ तो सही जी को बता रही है। अरे कोई बात नहीं, आप सभी बन रहा बैठ जाओ, आ जाइए। कई लोगों को बनवाया आपने? सबसे तीन सबसे डॉक्टर साहब, जिस विभाग के मंत्री स्वयं उप मुख्यमंत्री हैं उसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार, आए दिन रोज जो है भ्रष्टाचार की वीडियो वायरल हो रही है। आज आपकी जो है चश्मे की वीडियो वायरल हो रही है, उस वीडियो में जो है डॉक्टर 300 रुपए मांग रहे हैं, तो ये भ्रष्टाचार क्यों नहीं रुक रहा, क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं आप? इसके पहले 4-5 दिन पहले भी मुझे थोड़ी सी ऐसा गुनगुनाहट हुई थी, जैसे शिकायत की सर यहाँ से कोई चश्मा बन रहा है, लेकिन मैंने कोशिश किया था फिर उसको देख नहीं पाया। लेकिन आज भी सुबह मुझे शिकायत हुई थी तो फिर मैंने उनको बुलवाया था, पंकज जी को, तो उन्होंने कहा नहीं सर ऐसा नहीं हो रहा, कभी भी नहीं होता था, आज भी नहीं हो रहा है, जो वायरल जा रही है वो गलत जा रही है, जो भी किसी और कारण से हो रही है, लेकिन मैं इसकी जांच कराऊंगा आँख के डॉक्टर से, हम समिति बना के मैं इसकी जाँच करा लूँगा और फिर देखते हैं कि उसमें क्या निकल के आता, उस तरह से कार्रवाई। अगर वीडियो में दिखाई दे रहा है जो है डॉक्टर रिश्वत ले रहे हैं, फिर आपके द्वारा क्या कार्रवाई होगी? हमको समिति बना के उसी वीडियो का अध्ययन कराना पड़ेगा, क्योंकि मुझे प्रमाण चाहिए। मैं चूंकि कार्रवाई करूंगा इसलिए मुझे एक जो प्रमाण चाहिए, प्रमाण के रूप में मुझे लिख के जो मैं अपने अधिकारी लगाऊंगा उस प्रमाण के आधार पर हम ये सब कार्रवाई करेंगे। जो हम कर सकते हैं वो करते हैं।